नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। देश भर के ट्रेवल एजेंट और चंडीगढ़ पंजाब टैक्सी ऑपरेटर द्वारा हिमाचल बॉयकॉट के बाद राज्य सरकार ने टूरिस्ट और कमर्शियल व्हीकल पर टैक्स घटा दिया है। इसे लेकर देर रात नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसके मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले गैर पंजीकृत वाहनों पर स्पेशल रोड टैक्स यानी SRT हिमाचल में 50 से 70% तक कम किया गया है। SRT को लेकर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 13 से 22 सीटर वाहनों को प्रतिदिन 3,000 रुपए की जगह अब सिर्फ 500 रुपए टैक्स देना होगा। इन वाहनों को 3 दिनों के लिए 1,000 रुपए और 1 हफ्ते के लिए 2,000 रुपए भुगतान करने का भी विकल्प दिया गया है। 23 सीट या इससे अधिक क्षमता वाली बसों को अब 1,500 रुपए रोजाना टैक्स भरना होगा। पूर्व में 6,000 रुपए रोजाना के हिसाब से टैक्स लगाया गया था। 23 सीट से ज्यादा व्हीकल को 3 दिन के 3,000 और सप्ताह के 6,000 रुपए देने का विकल्प भी दिया गया है। 5 या इससे कम सवारियों वाली टैक्सियों को प्रतिदिन 200 रुपए टैक्स देना होगा। 5 से ज्यादा और 10 सवारियों से कम क्षमता वाले वाहनों को रोजाना 500 रुपए और 10 से 22 सवारी वाले वाहनों को रोजाना 750 रुपए टैक्स भरना होगा। टैक्स कम करने से पहाड़ों की सैर सस्ती हो गई है। जुलाई महीने में राज्य सरकार द्वारा टैक्स में भारी भरकम बढ़ोतरी के बाद पर्यटक हिमाचल नहीं आ पा रहे थे। अब वो प्रदेश की पर्यटन सैरगाहों का रुख कर सकेंगे। चंडीगढ़ पंजाब की आजाद यूनियन तो हिमाचल के बॉर्डर पर गाड़ियां रोकने की भी चेतावनी दे चुकी थी। इन्होंने टैक्स कम करने की मांग को लेकर एक परवानू में धरना भी एक दिन का किया था। बता दें कि हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, नालागढ़ इत्यादि क्षेत्रों में आने वाले कमर्शियल व्हीकल पर भी टैक्स का युक्तिकरण किया जा रहा है। सरकार ने 3,500 रुपए सालाना टैक्स तय किया है। अभी ये भी लगभग 2 गुना है। दरअसल राज्य सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के मकसद से बाहरी राज्यों के कमर्शियल व्हीकल पर भारी भरकम टैक्स लगाया है। ये राशि 3,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए प्रतिदिन थी। इसे अब अधिकतम 1,500 रुपए किया गया है। तो जानकारी में इतना ही। नमस्कार।